तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड जैसे कि आज BMPS क्रेट ग्रुप का सेकंड डे था, जिसमें कि इनसेन अभी भी फर्स्ट पोजीशन सिक्योर कर रखे हैं एंड फिलहाल गॉडला के 7th पोजीशन पे विद 44 पॉइंट्स। एंड वैसे आज के फर्स्ट मैच में इनका एग्रेसिव गेम प्ले देखने को मिला है, बट चिकन मिस हो गया एंड कल भी कुछ ऐसा ही हुआ था, तो इस पर अभी गेम्स भी रिएक्ट करते हैं। एंड अभी तो आपको क्राफ्टन का न्यू रूल रिगार्डिंग प्रैक्टिस स्क्रिप्ट के बारे में पता ही होगा, तो अगर कोई ऑर्गेनाइजर वो रूल फॉलो नहीं करते हैं तो क्राफ्टन उनके अगेंस्ट क्या एक्शन ले सकते हैं, इस पर भी गेम्स रिप्लाई करते हैं एंड वो सारी क्लिप आप देखिए। गॉडला के बारे में बता दो। अरे क्या बारे में तो बातें, अभी गॉडला का क्या एग्रेसिव फुल चल रही है, ठीक है। अब एग्रेशन भी दिख रही है उनके, उनका थोड़ा सा सर्वाइवल गेम प्ले भी दिख रहा है। लास्ट का जो फिनिशिंग टच है मेरे ख्याल से अब उस पर थोड़ा सा हल्का सा वर्क करना है। फिनिशिंग टच इन दैंस कि टॉप 5 टॉप 3 में आ जा रही है, वो कन्वर्जन वाला हमने काफी ऐसे चिकन मिस होते हुए देखे हैं उनकी तरफ से। बट कोई बात नहीं, अब जैली पे भरोसा रखो, बोलते रहते ना अपनी स्ट्रीम पे, भाई थोड़ा सा वक्त दो, इतना जब आपने दिया था वक्त मतलब कमाई के सब का, थोड़ा सा और वक्त दे दो, फिर और बेस्ट निकले। नहीं हो रहा भाई, तो इसीलिए यहाँ पर बोल दिया कि भाई नहीं करोगे तो पेनलाइज हो जाओगे और उसके बाद साथ साथ नहीं कर सकते, कि रूल इज इफेक्टेड। मतलब ये जो रूल है ये बिफोर और आफ्टर, ये नहीं कि आप BMPS खत्म होगा तो आप चले गए, नहीं, वो भी तब भी अलाउड नहीं है। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं माना तो भाई फिर पता चले इन फ्यूचर अगर वो और कुछ और कराने की कोशिश कर रही होगी तो भाई फिर लाइसेंस तो नहीं, परमिशन नहीं दी जाएगी, अलग से स्ट्राइक मार दी जाएगी BGMI की तरफ से। तो भाई कोई उनके अगेंस्ट में अब जा नहीं सकता है, तो भाई अब ऐसी चल। सो गाइस, इस टॉपिक पर आपके क्या व्यूज है आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। एंड वैसे कल गॉडला के एक ही मैच है जो कि सेकंड मैच मीरामार होने वाला है, तो देखते हैं कल सारे टीम्स का कैसा परफॉर्मेंस रहने वाला है। एंड फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।